कांग्रेस के 11 एमएलए मंत्री ने विधायकों से की 1-to-1 मीटिंग। चीन को सबक सिखाने के लिए पूर्वी मोर्चे पर भारत में तैनात किए राफेल लड़ाकू विमान। दुनिया भर में एक हफ्ते में 21% बड़ी मौत, नए मामले में 8% की वृद्धि। अधिरंजन ने की ओम बिरला से मुलाकात, हंगामा करने वाले सांसदों का नहीं होगा निलंबन। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज जिले में एम्बुलेंस के कर्मचारी 3 दिन से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में धरना दे रहे हैं। बुधवार को कर्मचारियों से एसडीएम सदर व सीएमओ ने वार्ता की, जिस पर 2 दिन के लिए 24 एम्बुलेंस का संचालन शुरू किया। पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा। संगठन के जिलाध्यक्ष अभिषेक चौरसिया ने बताया कि ठेका प्रथा से एनएचएम में सम्मिलित करने, समान कार्य का समान वेतन लागू करने, सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एम्बुलेंस का टेंडर प्रक्रिया के आरएफसी में बदलाव करने की मांग की जा रही है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। 23 तारीख से था, 3 दिन के लिए शांतिपूर्वक धरना किए, मांग नहीं मानी गई तो फिर हम लोग 25 तारीख को रात के 12 बजे से गाड़ियां अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल कर दी। हम लोगों की यही प्रमुख मांग है, ठेका प्रथा बंद हो, एनआरएचएम में विलय किया जाए और जो भी कर्मचारी हमारे एलएस के कर्मचारी 1200 टर्मिनेट कर दिए गए हैं उनका बहाली किया जाए और आरएफपी में बदलाव किया जाए। इस समय धरने पर कितनी गाड़ी आप लोग यहाँ पर लेके आए हैं? इस समय 65 गाड़ियाँ थी। कल सीएमओ सर और मतलब एसडीएम सर के आने के बाद दबाव में कुछ गाड़ियां जो हैं, हम लोग 24 गाड़ियां यहां से छोड़ दिए गए इमरजेंसी केसेस करने के लिए। इमरजेंसी केस के लिए कितनी गाड़ी छोड़ी गई है? 24 गाड़ियां इस समय चल रही है, हर ब्लॉक पे 2 गाड़ी है, बाकी गाड़ियां पीजी कॉलेज के ग्राउंड में खड़ी हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से। चंदौली में मंगलवार को डीडीयू जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने डीडीयू जंक्शन पर ऑपरेशन नंबर प्लेट 2, ऑपरेशन बॉक्स 2 तथा ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया। दरअसल लावारिस गाड़ियां, लावारिस चमान जो बहुत दिनों से प्लेटफॉर्म पर पार्किंग में पार्सल में पड़ा हो, जिसको कोई लेकर नहीं जा रहा हो, वैसे गाड़ियां, पैकेज, सामान इत्यादि की खोजबीन एवं पाए जाने पर उचित निस्तारण करवाया जाए, उसके लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट 2, बॉक्स 2 एवं ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर में आज सुबह दिन निकलते ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल सैकड़ों युवाओं के साथ मेरठ रोड स्थित कंपनी गार्डन में पहुंचे और चीयर फॉर इंडिया के लिए प्रार्थना करते हुए आज दौड़ में हिस्सा लिया। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी यूमो तेजस्वी सूर्य व प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूमो प्रांशु दत्त द्विवेदी व क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुखविंदर सोम के निर्देशन में चल रहे चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के निमित्त आज मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सुखवेंद्र तोमर के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने चलकर टोक्यो ओलंपिक में गए भारत से 127 खिलाड़ियों को उत्साहित करने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में बीजेपी युवा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर कंपनी बाग में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे स्वतंत्र देव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि जो हमारे ओलंपियाड में नौजवान 127 नौजवान बेटे और बेटियां वहाँ खेलने के लिए गए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए युवा मोर्चे के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष कुशवेंद्र तोमर और युवाओं की पूरी टीम, लगभग 200 नौजवान इसमें सहभागिता की और सब ने मॉर्निंग वॉक करके उनको उत्साहित करने के लिए चीयर फॉर इंडिया, ऐसा ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे, हमारी शुभकामनाएं पहुँचे और ओलंपियाड में अधिक से अधिक पदक लेकर के भारत के अंदर लौटें और भारत का सीना गर्व से ऊँचा हो, सारे देश के लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए आज ये कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा दौड़ का कार्यक्रम है, इसके बाद साइकिल का कार्यक्रम है, पढ़ाई का कार्यक्रम है, ध्यान का कार्यक्रम, इस प्रकार के बहुत सारे युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत सारे शानदार कार्यक्रम है, ताकि युवाओं के अंदर लगातार ये एक जज्बा देश का रहे कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ और हमारे नौजवान जीत के आने चाहिए। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर से भी कुछ गए हैं ओलंपियाड में खेलने के लिए, क्या लगता है मुजफ्फरनगर भी जीतेगा?
मुजफ्फरनगर लगातार ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है और निश्चित रूप से जो जो गए हैं वो सब जीत करके आए, ऐसी हमारी शुभकामना। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद टूंडला पुलिस ने चोरी करने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम टूंडला इलाहाबाद बैंक में दिया, जहां रामफूलन सिंह ग्रामीण बैंक से 25,000 रुपए निकालकर अपने बेटे के साथ इलाहाबाद बैंक आए थे। तभी मौका पाकर चारों महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और उसमें से एक महिला ने उनकी जेब काट ली। घटना को अंजाम देते हुए उनके बेटे ने देख लिया और उन्हें वहीं पकड़ लिया। साथ ही इस घटना की पूरी जानकारी टूंडला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस चारों महिलाओं को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस की पूछताछ करने के बाद चारों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां पंच ने पंचायत में पीड़ित व्यक्ति और आरोपित पक्ष की बात सुनकर निष्पक्ष फैसला सुना दिया, जिसमें आरोपित मकसूद ने नौशाद से मरे हुए बकरे के जबरन 14,000 रुपए वसूलने की बात कही तो सभी पंचों ने निष्पक्ष फैसला सुनाते हुए नौशाद को 14,000 रुपए 23 जुलाई की शाम तक लौटाने की बात कही तो मकसूद को गवारा न हुआ। मकसूद पक्ष नाराज होकर सत्ताधारी लोगों की मदद लेकर राशिद खान पर वसूली और मारपीट करने का थाना मारहरा में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लोगों को पता चला तो सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एटा एसएसपी और सीओ के सामने राशिद खान को कस्बे का अच्छा आदमी बताते हुए निर्दोष बताया और मुकदमे में वादी पक्ष की गलती बताते हुए नौशाद से मुंबई में लिए गए जबरन 14,000 रुपए वापस करने की बात कही थी। राशिद व उनके चारों भाइयों का नाम भी FIR में शामिल करा दिया गया, जो कि गलत है। पंचायत में 14,000 रुपए किसी गरीब के ले लिए थे जी। उसकी इन्होंने पंचायत की, वहाँ पे बहुत से लोग थे जी, तो वहाँ पे इन्होंने वादा किया 10,000 रुपए दे देंगे, वो रुपए नहीं दिए तो गाली उठा करने लगे और आगे थाने चले गए, इन्होंने मुकदमा लगा मजकूर। तो अभी आप लोगों से क्या कहा गया अधिकारियों के द्वारा? कहा गया झूठा मुकदमा तो खत्म किया जाएगा। ऐसे तो लोग किसी के बीच में ही नहीं आएंगे, इंसानियत ही खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके से होगा तो। आप लोगों को इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इंसानियत ही खत्म हो जाएगी हमारे देश से अगर इन पे झूठा मुकदमा लगा दिया गया तो। इंसान में कोई पंची नहीं आएगा। वो क्या दबंग व्यक्ति है क्या? वो कुछ नहीं दबंग, ऐसा ही अपने ठीक है। नहीं, जिसने ये मुकदमा लिखाया है कुछ दबंगों के साथ रहता है, पहले भी इस तरीके से किए उसने कुछ? उस पर कई केस हैं, उस पर खुद लड़ाई झगड़े के कई केस खुद पे चल रहे, यही काम है उसका लड़ाई झगड़े का। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल निर्देशन में थाना मक्खनपुर एवं थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग में 7 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना मक्खनपुर क्षेत्र पानीगढ़ तिराहे पर 315 बोर तमंचा और कारतूस, 2 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अभियुक्त फरार हो गए। शिकोहाबाद पुलिस द्वारा डाइनी पुलिया के आटेपुर जाने वाले रोड पर संत ब्रह्मानंद स्कूल के पास से 2 देसी तमंचा, जिंदा कारतूस सहित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनके कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा है। ये 2 थाने हैं, इसमें एक थाना शिकोहाबाद जिसकी 8 वहाँ से बाइक बरामद हुई, जिसमें 3 अभियुक्त सम्मिलित हैं। इसमें एक अभियुक्त आगरा का है, दुर्विजय देवेंद्र और भूदेव सिरसागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मक्खनपुर से 2 बाइक बरामद हुई है, 2 अभियुक्त हैं मोहम्मद कासिम और राजन, जो दोनों शिकोहाबाद थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है कि BK नाम का कबाड़ी है, गाड़ियाँ चोरी होकर उसके यहाँ जाती हैं और कबाड़ के नाम पर वो उसको ले लेता है और लोगों को बताता है कबाड़। बहुत सारी गाड़ियों के इंजन नंबर और चेचिस नंबर इनको रगड़ दिया गया है या छेनी वगैरह मार के इसको मिटा दिया गया है। इसमें हम FSL को रिपोर्ट भेजकर वहां से टीम बुलाकर उनके एक्सपर्ट का राय लेकर गाड़ियों की तलाश करेंगे, गाड़ियां किसकी हैं। अब तक हम लोगों ने इस 10 गाड़ियों में 2 गाड़ियों को कनेक्ट किया है, जिसमें एक सिकंदरा आगरा से चोरी हुई है और एक गाड़ी थाना शिकोहाबाद से HF डिलक्स की चोरी हुई थी, वो बरामद की गई है। शेष गाड़ियों को भी हम लोग जब FSL की टीम आ जाएगी तो उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। सर, इन लोगों के पास कुछ हथियार भी मिले? इनके पास 2 अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं और इनके पकड़े जाने से निश्चित तौर पर इस तरह की चोरियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सर, कबाड़ी कहाँ का है वो? BK कबाड़ी मक्खनपुर।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।